आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जिसने साबित किया कि कुछ करने के लिए चाहिए तो क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन और इच्छा शक्ति। आपके पास सरकार की दी हुई कितनी डिग्रीज हैं या आपने कितनी पढ़ाई की है या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में कितना पैसा खर्च किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहीं से भी नॉलेज इकट्ठी करके कुछ भी कर सकते हैं। वैसे तो इतिहास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है, जैसे कि राइट ब्रदर्स, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉज़नियाक, मार्क ज़करबर्ग, मार्क ट्वेन, क्रिस्टोफर कोलंबस, अब्राहम लिंकन, हेनरी फोर्ड, एंजो फेरारी, विंस्टन चर्चिल और भी ऐसे बहुत सारे लोग जिनकी लिस्ट इतनी लंबी है कि सारे नाम लेते लेते पूरी वीडियो निकल जाएगी। इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे माइकल फैराडे के बारे में, जो कि एक लोहार का बेटा था। एक गरीब परिवार से होने की वजह से उन्होंने कोई खास स्कूली पढ़ाई नहीं की थी और सिर्फ 14 साल की उम्र में ही उन्हें किताबों पर जिल्दे चढ़ाने वाले के यहाँ नौकरी करनी पड़ी। पर जब माइकल फैराडे किताबों पर जिल्दे चढ़ाने का काम सीख रहा था, तभी उन्हें साइंटिफिक किताबों में इंटरेस्ट पैदा हुआ। अपने इन्हीं दिनों में उस नौकरी के दौरान माइकल फैराडे ने साइंस के ऊपर कई किताबें पढ़ी जो दुकान पर जिल्द चढ़ाने के लिए आई होती थी। चाहे इन किताबों से माइकल फैराडे को काफी नॉलेज मिली होगी, पर फैराडे की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एक कस्टमर ने फैराडे के काम से खुश होकर उसे सर हम्फ्री डेवी नाम के एक साइंटिस्ट के लेक्चर की एक टिकट दे दी। सर हम्फ्री डेवी उस समय के एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट थे। हो सकता है आप सोचें कि किसी ने खुश होकर किसी साइंटिस्ट के बोरिंग लेक्चर की टिकट दे दी। अगर टिकट देनी ही थी तो किसी मूवी की देता या किसी सिंगर के शो की देता। तो मैं आपको बता दूं कि ये उस समय की बात है जब सिनेमा का आविष्कार नहीं हुआ था और तब सिर्फ साइंटिस्ट ही सुपरस्टार हुआ करते थे। उस समय किसी साइंटिस्ट को देखने या सुनने के लिए उसी तरह से भीड़ रहती थी जैसे आज किसी फिल्म स्टार को देखने के लिए होती है। अब आप इस स्ट्रेंज वर्ल्ड की अजीब बात ये देखिए कि जिन साइंटिस्ट ने सिनेमा का आविष्कार किया, उसी सिनेमा ने साइंटिस्ट का सुपरस्टारडम खत्म कर दिया। और जिन एक्टर्स को उस समय भांड या नौटंकी करने वाले नामों से बुलाया जाता था, वही नौटंकी करने वाले सिनेमा की खोज से आज सुपरस्टार बन गए। तो इसी बात से एक जोक बन सकता है, एक चुटकुला बन सकता है। जब आपसे कोई पूछे कि पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला मुहावरा कब बना था, तो आप कह दीजिएगा कि जब किसी साइंटिस्ट ने सिनेमा का आविष्कार किया था। खैर, हम बात कर रहे थे माइकल फैराडे की, जिन्हें उस समय के सुपरस्टार साइंटिस्ट हम्फ्री डेवी को सुनने का टिकट मिल गया था। तो जब फैराडे सर हम्फ्री डेवी को सुनने के लिए बड़े बड़े और बहुत ही एजुकेटेड लोगों के बीच पहुंचा तो काफी नर्वस था। Can I pass, please? Can I pass? Some of us are trying to improve ourselves. If people will let us. Of course, pass, pass. पर फिर भी फैराडे ने हम्फ्री डेवी को बहुत ही ध्यान से सुना। Electricity, ladies and gentlemen, a mysterious force that can unravel the confusing mixture of intermingled substances that surround us and produce pure. डेवी उस समय के बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट थे और उन्होंने काफी खोजें की थी। पर फिर भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम्फ्री डेवी की सबसे बड़ी खोज माइकल फैराडे था। चाहे माइकल फैराडे ने कोई स्कूली पढ़ाई नहीं की थी, पर वो अपनी इस कमी को अपने साइंटिस्ट बनने के बीच नहीं आने देना चाहता था। वो देर रात तक काम करता, लेक्चर में नोट की गई बातों का एक एक पेज इकट्ठा करके किताब बनाता, उसे पढ़ता और नए तरीके से सोचकर जो भी मिसिंग होता उसे सॉल्व करने की कोशिश करता। जो भी सवाल उसके दिमाग में आते वो उनका जवाब जानना चाहता था और सिर्फ इसी काम को अपनी सारी जिंदगी दे देना चाहता था। अब तक उसका जुनून इतना बढ़ चुका था कि वो सिर्फ और सिर्फ साइंस के बारे में ही सोचता था और अब उसे अपने काम से भी नफरत होने लगी थी। फैराडे खुद को अपने इन हालातों में फंसा हुआ महसूस कर रहा था, जहां वो करना कुछ और चाहता था पर कर कुछ और रहा था। तो अपने इन हालातों से निकलने के लिए उसने बहुत ही उम्मीद के साथ हम्फ्री डेवी के लेक्चर में जो नोट्स इकट्ठे किए थे उनकी एक किताब बनाई और डेवी को दिखाने के लिए उनके ऑफिस में चला गया, इस उम्मीद के साथ कि क्या पता उसका काम देखकर डेवी इम्प्रेस हो जाएं और उसके लिए डेवी की लैब के दरवाजे या साइंस के दरवाजे खुल जाएं। तुमने बहुत ही अच्छा काम किया फैराडे। तो तुम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो? मैं चाहता हूँ सर कि मैं व्यापार और साइंस को एक दूसरे से दूर करूं, क्योंकि व्यापार बेरहम और खुदगर्ज होता है। मैं साइंस की सेवा करना चाहता हूं सर, बिना पैसे के लालच के, ताकि इससे सिर्फ खुशी मिले और इसे करने में आजादी। रियली खैर, तुम्हारी इस तरह की बातों में कितनी रियलिटी है ये तो वक्त ही बताएगा। अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, जब होगा तो बता दूंगा। हम्फ्री डेवी से हुई इस बातचीत से फैराडे की जो एक उम्मीद थी वो भी टूट गई और वो इससे बहुत निराश हुआ। पर उसने हिम्मत नहीं हारी, वो अब भी अपने बोरिंग काम को छोड़ने और साइंस की तरफ जाने के रास्ते सोचता रहता और इंतजार करता रहता कि कब साइंस का दरवाजा उसके लिए खुलेगा। और अब फैराडे का ये इंतजार खत्म होने वाला था, वो वक्त आ चुका था जिसका उसे इंतजार था।
एक एक्सीडेंट की वजह से हम्फ्री डेवी काफी समय तक काम नहीं कर सकता था, तो उसे एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ गई। पर जब उसे कोई नहीं मिला तो उसे उस लड़की की याद आई जो एक दिन उसके ऑफिस में उसके नोट्स की किताब लेकर आया था, तो उसने उसे बुलवा लिया। Meet Mr. Michael Faraday, who's going to be my helper while I recover. Thank you, and thank you, Sir Humphrey. Just stick to your job and do as you're told, and you'll be fine, Faraday. Faraday को लेबोरेटरी असिस्टेंट बना दिया गया, और हम्फ्री डेवी की सारी नॉलेज जो उस लैब में थी, फैराडे वो सब लेने वाला था। पर सर हम्फ्री को ये नहीं पता था कि उसका ये चेला एक दिन अपने ही गुरु को पीछे छोड़ देगा। एक दिन हम्फ्री डेवी अपनी लैब में इलेक्ट्रिसिटी को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। जब भी किसी वायर में से इलेक्ट्रिसिटी को गुजारा जाता और उस वायर के पास एक कंपास रख दिया जाता, तो वायर में से गुजरता करंट कंपास पर असर डालता। कंपास में चुंबक लगी हुई होती है, तो उस एक्सपेरिमेंट का मतलब था कि बिजली और चुंबक के बीच कोई रिश्ता है। बिजली चुंबक पर असर डाल रही थी और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी माइकल फैराडे वहां पहुंचा। The electrical force goes this way. The compass points that way. How can one affect the other? शायद तार से बहती हुई बिजली कोई अदृश्य शक्ति तार से बाहर फेंक रही है। शायद किसी तरह की कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स तार से बाहर निकल रही है। तुम्हें पता है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्या सिखाया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी वायर के अंदर बहती है ना कि बाहर। पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ये ज्ञान हमारी आंखों के सामने जो हो रहा है उसे एक्सप्लेन नहीं करता। तो बिजली और चुंबक के बीच ये क्या रिश्ता था किसी को समझ में नहीं आ रहा था। पर माइकल फैराडे के लिए ये समस्या एक जुनून बन चुकी थी और वो इसे हर कीमत पर सुलझाना चाहता था। और फैराडे ने भी इस समस्या को वैसे ही सुलझाया जैसे आइंस्टाइन समस्याओं को सुलझाता था। चाहे आइंस्टाइन और फैराडे अलग अलग समय के साइंटिस्ट थे, पर दोनों का समस्याओं को सुलझाने का तरीका एक ही था, कल्पना शक्ति। ये दोनों ही नॉलेज से ज्यादा कल्पना शक्ति पर भरोसा करते थे और ये वो चीज़ों को भी इमेजिन कर सकते थे जो दूसरों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती थी। इसीलिए आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। तो माइकल फैराडे ने अपनी कल्पना शक्ति से उस समस्या का हल निकाल लिया जो दूसरों को बहुत मुश्किल लग रही थी। उसने चार कंपास एक बिजली की तार के चारों तरफ रखे और कंपासों की दिशा को देखकर फैराडे ने ये इमेजिन किया कि गोल घेरे में कोई चीज़ तार से बाहर निकल रही है और कंपासों पर असर डाल रही है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि हवा में झंडा लहराता है। पर फैराडे ने अपनी कल्पना शक्ति की इससे भी बड़ी छलांग लगाई और अपने दिमाग में ही एक और एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। फैराडे ने सोचा कि किसी कंपास को एक तरफ मोड़ने की बजाय क्या वो किसी बिजली की तार को किसी चुंबक के चारों तरफ घुमा सकता है। Underneath, I'm shaking. You see, John? You see? Yes. फैराडे का वो एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा और यही एक्सपेरिमेंट आज की सारी इलेक्ट्रिकल मोटर्स का आधार है। पर चाहे वो मोटर आपके पंखे में लगी हो, कूलर में, एसी में, मिक्सर में, फ्रिज में, हार्ड डिस्क में, डीवीडी प्लेयर में, ऑटोमेटिक स्टेयर्स में, इलेक्ट्रिकल पंप्स में या हॉस्पिटल में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों में, आज की लगभग सारी मशीनों में फैराडे के उस एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल होता है। तो फैराडे का आज की इस आधुनिक दुनिया में बहुत बड़ा योगदान है। तो अपने इस एक्सपेरिमेंट के कामयाब होने के बाद फैराडे ने उस एक्सपेरिमेंट को उस समय के एक बहुत ही रेपुटेटेड साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश करवाया। उस समय ही सर हम्फ्री डेवी भी रॉयल सोसाइटी का प्रेसिडेंट चुना गया था। तो जब उसने फैराडे के उस एक्सपेरिमेंट को एक रेपुटेटेड साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश हुआ देखा, तो उसने सोचा कि इतनी बड़ी खोज, उस समय की सबसे बड़ी खोज, एक ऐसा लड़का कैसे कर सकता है जो उसके नीचे काम करता रहा है। तो हम्फ्री डेवी ने फैराडे पर यह इल्ज़ाम लगाया कि उसने एक ब्रिटिश साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट को चुराया है। पर जब फैराडे ने उस ब्रिटिश साइंटिस्ट को चिट्ठी लिखी और उससे ये पूछा, तो उसने कहा कि ये उसका एक्सपेरिमेंट नहीं है, जो भी फैराडे ने किया है वो पूरी तरह से उसका है। पर इसके बावजूद हम्फ्री डेवी अपनी बात पर अड़ा रहा और फैराडे को कहा कि अपनी इस नॉनसेंस को बंद करे और अपने उस पेपर को वापस ले ले। Listen, Faraday, let's stop this nonsense. I want you to take down your ballot paper from the notice board. पर फैराडे ने कहा कि उसे कोई कारण नहीं दिखता उसे वापस लेने का। उसके दोस्त वो पेपर आगे लेकर आए थे और वो उसे वापस नहीं लेगा। So Humphrey, I see no reason to take it down. My friends have proposed me. It is they who put the paper up.
I will not take it down. Good day. इस एक्सपेरिमेंट के बाद फैराडे हम्फ्री डेवी से भी ज़्यादा मशहूर हो गया और सर हम्फ्री की जगह पर उसे रॉयल सोसाइटी का प्रेसिडेंट चुन लिया गया। 5 साल बाद हम्फ्री डेवी की मौत हो गई और इसी दौरान फैराडे ने एक ऐसी फिजिक्स की शुरुआत की जिसने एनर्जी के बारे में हमें बिल्कुल नहीं समझ दी और जिसे आइंस्टाइन ने कहा था द ग्रेट रेवोल्यूशन। पर जब फैराडे पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो भी गया था तब भी लोगों ने उनकी कही बातों को हंसी में उड़ाना बंद नहीं किया। पर स्मार्ट लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि वो बेवकूफ लोगों को पागल लगते हैं। That light itself is just one form of these vibrating lines of electromagnetism. उस वक्त माइकल फैराडे ने कुछ ऐसी बातें कही थी जिन पर आज की टेक्नोलॉजी खड़ी हुई है, पर उस वक्त फैराडे की उन बातों पर लोग हंसे थे। पर हमेशा से ही हर महान आदमी के साथ ऐसा होता आ रहा है, जिन बातों को कोई नहीं देख पाता स्मार्ट लोग उन्हें पहले देख लेते हैं और बेवकूफ लोग उन पर हंसते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही फीलिंग होती है जैसे अगर आपको हजारों लाखों पागलों के बीच छोड़ दिया जाए और आप उन्हें कुछ समझाएं और वो आपको ही पागल कहकर आप पर ही हंसते रहें।